CEO of Qatar Airways, and right beside him, this is me. जैसे मैंने अपने पिछले लाइव सेशन में कहा था दैट आई एम गोइंग टू टुडे शूट अ वीडियो ऑन माय कतार एयरवेज सोवेनियर्स. सो हेलो बॉन्जुर उला नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल नोमैडिक मानव. होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल. सबके लाइफ में ऐसी एक मेमोरी आती है जो बिल्कुल फिट हो जाती है अपने दिमाग के अंदर. उसी तरीके से आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपने कुछ पिक्टोरियल मेमोरीज. सो जो कोई भी सोवेनियर आपको मैं दिखाऊंगा आज, उससे रिलेटेड कोई भी अगर स्टोरी रहेगी मेरे दिमाग में, सो डेफिनेट बात है दैट आप इस व्लॉग में वो देखेंगे. जैसे आप लोगों ने लास्ट लाइव सेशन में बोला था दैट ट्राई ग्रोइंग योर बियर्ड, सो अभी मैं अपनी थोड़ी बियर्ड बढ़ाऊंगा एंड देखते हैं कैसा लुक आता है. एंड फ्यूचर वीडियोज़ के लिए डेफिनेट बात है दैट मैं अभी शेव नहीं करूँगा. सो सिंपल सी बात है, हम पूरा सेशन एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे अपने रूम के हिसाब से. लाइक यू सी थिंग्स बिहाइंड मी, पहले हम ये कवर करेंगे. Then we will move anti-clockwise towards this wall. So ये wall में जो चीज़ें सारी रखी हुई है हम उस पर जाएंगे और वो ख़त्म होने के बाद we'll go to this wall which is adjoining that wall. So इसमें हम बताएंगे आपको क्या होने वाला है, क्या क्या फीचर्स है. एंड एट द एंड we'll be going to this big magnet board जहाँ सारे magnets लगे हुए हैं. So सबकी कुछ ना कुछ story है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा. सो सबसे पहले वील टॉक अबाउट दिस वॉल विच यू सी ओवर हियर. सो इसकी बात कर लेते हैं. मैं अभी थोड़ा कैमरा घुमाऊंगा सो यू कैन लुक एंड हैव अ बेटर पिक्चर ऑफ दिस. सो सबसे पहले वाला स्केच इफ यू सी इन राइट इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज स्केच ऑफ मी एंड दिस वॉज बेसिकली मेड इन पीसा. सो यू कैन जस्ट सी राइट ओवर हियर. सो द सिग्नेचर यू कैन सी ओवर हियर, द पर्सन हु मेड द स्केच, इट वॉज ईयर 2018. पीसा एक छोटा सा शहर है इन इटली. उन लोगों ने बेसिकली मेरे को एक पेपर में रैप करके दिया था बट आई इवेंचुअली मेड अ होल फ्रेम आउट ऑफ इट. तो पीसा की कहानी बहुत सिंपल है. बहुत बार होता है व्हेन यू वर्क इन कतार एयरवेज, सबको डेस्टिनेशन में जाना है एंड दे वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स. तो सबका एक एम नहीं रहता दैट वी विल गो टुगेदर. बट इन पीसा ऑल द क्रू वी वेंट टुगेदर, वी एक्सप्लोर द प्लेस एंड वी केम बैक टुगेदर. सो दैट वॉज अ वेरी नाइस थिंग जो जनरली कतार एयरवेज में होता नहीं है. जेट में बहुत होता था साथ में, एक बार सब क्रू जाए साथ में आएंगे, बट यहाँ सब मिक्स नेशनैलिटी रहता है एंड एवरी वन वॉन्ट्स टू टेक देयर ओन स्पेस. आगे बढ़ता है, दैट इज़ नंबर टू. दिस इज़ माई सेकेंड फ्लाइट विथ कतार एयरवेज. दिस वॉज बेसिकली इन साउथ अफ्रीका. सो आप देख सकते हो दिस इज़ लायन एंड सफारी पार्क 2017 साउथ अफ्रीका. सो ये कहानी है बेसिकली इन जोहान्सबर्ग. तो जोहान्सबर्ग और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है. लाइक हम लोगों ने बहुत क्रेजी फन किया है उधर. कभी बैठ के आराम से उसका एक अलग से व्लॉग बनाएंगे. सो जैसे ही आप देख सकते हो देर इज़ अ लेपर्ड ओवर हियर एंड वी ऑल क्रू आर देयर. दिस इज़ नॉट फोटोशॉप, दिस इज़ बेसिकली अ ओरिजिनल फोटो. सो दिस वॉज अ ट्रेन लेपर्ड इन द जू. जोहान्सबर्ग के क्रू की बात करो, हम लोग सब डिफरेंट थिंग कर रहे थे दैट हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है. उसका डिसीजन नहीं था, बट एट द एंड ऑफ द डे हम जो ग्रुप गए थे टू द लायंस पार्क, जो फ्लाइट होती है फ्रॉम जोहान्सबर्ग टू दोहा. सो वापस जाने की जो फ्लाइट होती है ना, उसमें क्या काम दिखाया सब लोगों ने, क्योंकि एक बॉन्ड बन जाता है ना थोड़े टाइम बाद. देन मूविंग फॉरवर्ड टू दिस, तो बेसिकली आप ये पिक्चर देख रहे हो नंबर वन एंड नंबर टू. दिस बोथ पिक्चर्स आर ऑफ सेम लोकेशन दैट इज ऑकलैंड सिटी इन न्यूजीलैंड. सो हम लोग बेसिकली एक पार्क में गए थे एंड दैट वॉज अ एक्वेरियम. सो ये बेसिकली फोटो ग्रीन स्क्रीन किया हुआ है and just you can see that we are standing right in front of the green screen and there's a background behind and they change the background to this. So mere ko bahut acha cheez lagta hai about foreign countries. Like agar aap jaate ho they get the souvenirs, you know, aapki ichcha hoti hai that aap buy karo. Magnets hai, fir aise souvenirs hai jo aapki memory bana deti hai us din ke liye. इन लोगों का भी ऐसा कॉन्सेप्ट था, लाइक दे हैड अ होल ग्रीन स्क्रीन. आपको उधर खड़ा रहना है एंड यू हैव टू डू डिफरेंट पोज and they will make sure that they will edit and give you the final result when you complete the whole roundabout and at the end you receive the souvenirs. So mera manna ye hai that India mein bhi ye sab cheez chalu karna chahiye to promote tourism, kyunki tourism agar promote hoga is tarike se, aap magnets bechiye then have a green screen aur aise aise photos bechiye,
लोग खरीदने वाले हैं वो खरीद के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स दिस। सो दिस बेसिकली इज, लेट मी जूम इन। सो ये बेसिकली है वेलकम टू कतार एयरवेज फैमिली। सो दिस इज द फर्स्ट लेटर विच वी रिसीव व्हेन वी कम टू दोहा कतार। सो इसमें बेसिकली लिखा हुआ है, डियर मानव, वेलकम टू कतार एयरवेज। वी लुक फॉरवर्ड टू पार्टनरिंग विथ यू ऑन योर जर्नी टू ग्रेट हाइट्स इन योर कैबिन क्रू करियर विथ अस। कस्टमर एक्सपीरियंस इन फ्लाइट सर्विस टीम। सो दिस वॉज अ वेरी स्वीट मैसेज बाय कतार एयरवेज। और बात करते हैं अबाउट दिस पिक्चर। दिस पिक्चर बेसिकली इज माई होल बैच एंड जस्ट यू कैन सी राइट इन द सेंटर ही इज हिज हाइनस अकबर अल बकर, द CEO ऑफ कतार एयरवेज। एंड राइट बिसाइड्स हिम दिस इज मी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मेमोरी विच आई हैव इट विथ मी। कंपनी अलाउज यू टू टेक दैट फोटो होम। मतलब आपको एक हार्ड कॉपी भी मिलती है बकायदा, आप एक बार शूट कर लो, उसके एक दो महीने बाद आराम से जब भी आपको टाइम मिलता है ऑफिस में जाओ एंड सर्च इन द फाइल्स एंड यू विल गेट द फोटोज एंड यू कैन कलेक्ट दैट फोटो एंड कीप इट विथ यू। फिर आगे बढ़ते हैं अबाव। दैट इज़ द ईयर 2018, 5th of August 2018। दिस आई वॉज डूइंग अ बेजिंग फ्लाइट एंड वी हैड अ वेरी क्रिएटिव क्रू, हर नेम इज़ डियन। उसको बेसिकली कैलीग्राफिक बहुत अच्छा आता था। सो आई टोल्ड लाइक, कैन यू जस्ट राइट इट नोमैडिक मानव इन योर हैंड राइटिंग। सो उसने ब्यूटीफुली ये लिख के मेरे को दिया। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट सोवीनियर, दिस इज माई हैप्पी बर्थडे वाला कार्ड। सो दिस वॉज बेसिकली गिवन बाय माई रूममेट हुज नेम इज लुइस। सो लुइस बेसिकली वॉज माई फ्लैटमेट इन कतार एयरवेज। सो स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था, वी हैड 3-bedroom हॉल किचन अपार्टमेंट, A, B and C। ए रहता था वो मास्टर बेडरूम रहता था एंड बी एंड सी वो मास्टर बेडरूम नहीं रहता था। हम बेसिकली 3 फ्लैटमेट्स थे, मैं इंडिया से, सेकेंड फ्लैटमेट ही वॉज लुइस फ्रॉम कोलम्बिया एंड द थर्ड फ्लैटमेट हु इज मार्सलस, ही वॉज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। उसके बाद मार्सलस लेफ्ट द जॉब, आई ऑक्यूपाइड द ए रूम एंड उसके बाद द न्यू फ्लैटमेट केम हुज नेम वॉज एलविन, ही वॉज फ्रॉम मलेशिया। और अनफॉर्चुनेटली अभी जो बात है, मैं, मार्सलस और एलविन तीनों छोड़ के चले गए। आई डोंट नो अबाउट लुइस, वो है नहीं अभी, मेरा टच नहीं है उससे। सो ये कहानी है हमारे फ्लैटमेट्स की। थक गया भाई, थोड़ा बैठ रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं घर पे शूट करता हूँ, आई यूज टू ऑलवेज टेक द ट्राईपॉड विच यू सी राइट ओवर देयर, बट आज मेरा मन किया दैट आई विल यूज दिस जॉबी ट्राईपॉड, छोटा वाला। सो आई विल ट्राई टू व्लॉग विथ वन हैंड कीपिंग लाइक दिस। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द थिंग विच यू सी राइट ओवर हियर, राइट इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज द कतार एयरवेज वाला प्लेन। सो ये बेसिकली मैंने तब लिया था व्हेन आई लेफ्ट कतार एयरवेज। सो आप देख सकते हो दैट इज़ अ 380 एयरक्राफ्ट है कतार एयरवेज का, जो आपको अपने ड्यूटी फ्री में मिल जाता है या फिर एयरपोर्ट पर मिल जाता है। सो ये एज अ मेमोरी भी मैंने एक उठा लिया था। सेकेंड बात करते हैं, दिस इज़ बेसिकली अ टोकन। ये बेसिकली एक है कतार एयरवेज का टोकन विच वी ऑलवेज यूज़ वेन एवर वी हैव अ फ्लाइट। सो हमें एक सिस्टम में लॉग इन करना होता है। वेन एवर यू लॉग इन टू एड अ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी यू हैव दिस थिंग। यू जस्ट नीड टू प्रेस दिस एंड यू सी अ टोकन नंबर। सो द सेम टोकन नंबर यू नीड टू अप्लाई इन योर पोर्टल। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी दिस और नॉट। बहुत बार ऐसा होता है दैट क्रू अपनी चाबी के साथ ही टोकन अटैच कर लेता है एंड जब चाबी खोती है द टोकन भी खोता है। सो यू हैव टू परचेज अ न्यू टोकन। बट जो भी है, जैसा भी है, गर्मी बहुत हो चुकी है एंड गाइस एसी बंद है, पसीना फुल ऑन आ रहा है। सो आगे बढ़ते हुए, सो द नेक्स्ट थिंग विच यू सी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज़ अ कतार एयरवेज कैबिन क्रू मेल। ऐसा एक सेम फीमेल में भी आया था बट मैंने उस वक्त खाली मेल था उसके पास, तो आई जस्ट टुक दैट। सो ये बेसिकली मैंने सोविनियर लिया था इन बैंकॉक। उस होटल में नीचे एक सोविनियर शॉप था एंड एज वी वर कतार एयरवेज क्रू स्टेइंग इन द होटल, सो ही ऑलवेज हैड दिस विद देम। दिस ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड सोविनियर विच ऑल द कैबिन क्रू टेक्स विद देम। सो आगे बढ़ते हुए, वी हैव ब्यूटिफुल टू थिंग्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस समय तक रख देते आराम से, टूट वूट जाए। सो दिस यू सी, दिस इज़ अ शेक एंड दिस यू सी, दिस इज़ अ शेखा। दिस यू बेसिकली कॉल इन अरब कंट्री, इनको हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। सो बेसिकली ये दोनों जो चीज़ है, दैट इज़ सॉल्ट एंड पेपर वाली यूज़ वाली थिंग। सो अभी आप लोग मुझे एक चीज़ और बताएं, दैट ये शेक है, तो शेक के ऊपर 3 होल है एंड हियर वी हैव शेखा एंड उसके ऊपर 2 होल है। सो इन दोनों में से कौन सा सॉल्ट है एंड कौन सा पेपर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बट होटल मैनेजमेंट वाले बंदे इसको क्रैक कर सकते हैं, आई नो दैट। 3 होल्स इन टॉप ऑफ द शेक एंड 2 होल्स इन टॉप ऑफ द शेखा।
सो आप देखिए, ये मैंने कतार से उठाया था, और उसके बाद आप मुझे उसका रीज़न भी मेंशन करिए, दैट व्हाई दिस इज सॉल्ट एंड व्हाई दिस इज पेपर। करके दिखाओ आप मुझे, क्रैक करके दिखाओ आप बात। सो ये आप जो देख रहे हो एक छोटा सा सोविनियर है विच आई टुक फ्रॉम बीजिंग इन चाइना। जैसे होरोस्कोप आता है उसी तरीके से चाइनीज कैलेंडर में एक एनिमल आता है विच रिप्रेजेंट्स योर डेट ऑफ बर्थ, एंड आप देख सकते हो दिस इज मेड ऑफ स्टोन। और जो नीचे है ये पार्ट में बेसिकली मेरा चाइनीज में नाम और इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, एंड दिस यू कैन यूज़ एज अ स्टैम्प। सो अभी थोड़े आगे वाले वॉल पे चढ़ते हैं, एंड राइट बिहाइंड मी यू कैन सी देर आर टू सॉफ्ट टॉयज। नंबर वन, दिस यू सी राइट इन फ्रंट ऑफ मी, दिस इज टाइगर बियर, इसका सॉफ्ट टॉय है। एंड द नंबर टू विच यू सी बिहाइंड मी, दिस इज हेनिकेन का बॉटल, ऑल्सो अ सॉफ्ट टॉय। सो ये बेसिकली मैंने उठाया था फ्रॉम वियतनाम इन हनॉय। सो हम लोग एक बार जस्ट स्ट्रीट पे चल रहे थे, वी हैड अ 2 or 3 days layover over there, एंड हम लोग पार्टी किया, सब किया, बहुत मज़े किए। एंड उसके बाद फाइनली वी गॉट अ डे जहाँ हमें सिटी एक्सप्लोर करने को मिला इन द मॉर्निंग। सो हम लोग जा रहे थे इन द सिटी एंड वी सॉ अ सोविनियर शॉप, तो कुछ उठाने का तो बनता है बॉस, हम लोग ट्रैवल कर रहे तो उठाएंगे। ये दो बियर्स मैंने क्यों उठाई, बाकी बहुत सारी बियर्स भी थी, ये दो बियर्स रिप्रेजेंट करती है मेरे जेट एयरवेज के साथ का एक्सपीरियंस और कतार एयरवेज के साथ भी। जेट एयरवेज में बेसिकली जब भी हम फ्लाई करते हैं, सो वी हैड टू चॉइसेस व्हेनेवर वी यूज्ड टू डू अ सिंगापुर फ्लाइट और अ बैंकॉक फ्लाइट, तो ये दोनों बियर रहती थी, हेनिकेन और टाइगर, और कतार एयरवेज में भी वही चीज़ थी। और जस्ट इसके पीछे आप देख सकते हो दिस इज़ द होल कलेक्शन ऑफ टोपी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि हम हैं टोपी मास्टर। टोपी मास्टर इसलिए बोलते हैं कि हम टोपी कलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की। सो नंबर वन की बात करें, दिस ये कैप आप मेरे सामने जो देख रहे हो दैट इज़ फ्रॉम एम्स्टरडैम, और ये एम्स्टरडैम की ओरिजिनल कैप है, ऐसे नहीं कि कोई फुद्दू मार्केट से उठा के लेके आया है। तो ये मेरी फर्स्ट कैप थी इन कतार एयरवेज विच आई परचेज फ्रॉम एम्स्टरडैम। सो एम्स्टरडैम बिंगो। सो दिस कैप विच यू सी राइट इन फ्रंट ऑफ मी, दिस इज़ अ कैलिफोर्नियन कैप, लॉस एंजलस से ये उठाई है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग डुप्लीकेट कैप्स नहीं खरीदते, हम लोग ओरिजिनल कैप्स खरीदते हैं। ये तीन कैप्स के सिवाय आप जो भी कैप्स देख रहे हो सब चाइना का माल है, 100-200 रुपए वाली कैप्स है। तो बेसिकली कैप मेरे ज़िंदगी में एक ही चीज़ के लिए यूज़ होती है, दैट इज़ जिम। जिम में मेरे को स्वेट बहुत निकलता है, और जब अपने थोड़े बाल लंबे हो जाते हैं तो टू हैंडल योर हेयर और टू हैंडल डंबल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो उस वजह से आई ऑलवेज प्रिफर टू हैव कैप व्हेनेवर आई गो टू जिम। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आगे बढ़ते हुए अभी मैं थोड़ा कैमरा नीचे रखूँ, एंड लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू ऑल द मैग्नेट्स ऑफ द वर्ल्ड विच आई ट्रैवल्ड पर्सनली। सो सबके सब तो नहीं है, बट जहाँ मेरे को चांस मिला है मैग्नेट्स उठाने का मैंने उठाया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप जो मेरे सामने देख रहे हैं दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द मैग्नेट्स विच आर ब्यूटिफुली रिप्रेजेंटेड एंड केप्ट इन माई मैग्नेट बोर्ड। लंडन, बाली, नीस इन फ्रांस, पीसा इन इटली, वॉशिंगटन USA, और ये बड़ा एक प्यारा मैग्नेट है विच इज़ ऑफ न्यूजीलैंड। आप देख सकते हो दैट इज़ अ बॉटल ओपनर और इसके अंदर लिक्विड है, सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल मैग्नेट। न्यूयॉर्क, प्राग, शिकागो, रोमेनिया, बुदापेस्ट, मार्बेया इन स्पेन, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया। सो मैग्नेट्स आप बहुत सारे देख सकते हो, बट इसमें से मैं कुछ स्पेशल मैग्नेट्स निकालूंगा जो बेसिकली मेरे को एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी देता है आप लोगों के लिए। ये मैग्नेट है बेल्जियम का। सो बेल्जियम और हमारी कहानी बहुत सिमिलर है, जैसे आप लोगों को पता है आई वेंट फॉर टुमारोलैंड, और ये मैं अपने खुद के पैसे से एक्सप्लोर करने गया था, नॉट बाय कतार एयरवेज। सो ये ट्रिप बड़ी स्पेशल थी हमारे लिए, एंड वी ऑल फ्रेंड्स वी कोलैबोरेटेड एंड वी वेंट देयर। सो बेल्जियम वाला मैग्नेट दोस्तों के नाम, और ये नेक्स्ट वाले मैग्नेट पे बात करते हैं, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग का मैग्नेट है। The first time I visited Russia, that was in winter, -30°C. Are you kidding? That is Russia for you in winters. So, अगले magnet की बात करें, which is London. So, London was a second home for us because we were 380 crore. London तो हर week या हर महीने में दो या तीन रहता ही हम लोगों का. London is a very special destination because we got an opportunity over there to spend 1 month over there, living there, enjoying the life, and operating for some other airline. Which was a partner with Qatar Airways during that time. So guys, उसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग stories है of different different magnet. सबको मैं एक vlog में cover नहीं कर पाऊँगा, but जब भी मौका मिलेगा मैं definitely share करूँगा उसे.
सो गाइस, ये कुछ छोटा सा व्लॉग था जो मैं सोच रहा था बड़े दिनों से आप लोगों के लिए बनाने के लिए, दैट व्हाट ऑल एक्चुअली थिंग्स आई हैव बॉट व्हेन आई वाज फ्लाइंग विद कतर एयरवेज एज अ सोवीनियर। सो होप यू गाइस लव्ड समथिंग। एंड डेफिनेट बात है, मैंने आपका लाइफ में से बहुत सारे सजेशन उठाए हैं, जैसे आप लोगों ने मुझे बोला है दैट आप फ्रीली बात कर रहे कैमरा के सामने, तो मैं अभी फुल खुल के आपके साथ आज बात किया हूँ विद इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो थैंक यू फॉर द सजेशंस एज वेल। सो मैं भी आप लोगों से सीखता रहता हूँ एज ऑलवेज। थैंक यू, मेसी, ग्रासियास, धन्यवाद। कैच यू सून विथ येट अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। टिल दैट टाइम, पीस।